फ्रेंड्स, बाजार की 3 दिन की तेजी को फ्राइडे के अंतिम दिन कारोबारी दिन में ब्रेक लग गया और गिरावट के साथ में थोड़ा सा बाजार बंद हुआ। तो ये गिरावट का दौर क्या फिर से जारी रहने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, या फिर यहाँ से तेजी की संभावना बन रही है? तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय निकल के आ रही है बाजार के बारे में, और कौन से सेक्टर में निवेश किया जा सकता है और कितने रिटर्न की संभावना बन रही है। साथ में हम ऐसे 5 निफ्टी के स्टॉक को डिस्कस करेंगे जिन्होंने 3 महीने के अंदर जबरदस्त तेजी दिखाई है और आगे भी इनमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही है। तो वो निफ्टी के 5 जो स्टॉक है उनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ में बाजार की आगे क्या चाल रह सकती है, कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कोरोना के बढ़ते मामलों ने बाजार के सेंटीमेंट पर असर दिखाया है। पिछले हफ्ते लगभग लाल निशान में बंद हुआ है। हालांकि बाजार को यह नुकसान अच्छे ग्लोबल संकेतों और RBI की नरम मौद्रिक नीति को बनाए रखने के संकेत के चलते सीमित ही रहा। अगले सप्ताह से मार्च तिमाही के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बाजार की नज़र कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन पर रहेगी। तो जो बाजार की राय के ऊपर जो मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर की तरफ से रक्षित दीक्षित ने भी अपनी राय दी है, कहा है कि देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कंपनियों के कारोबार में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। हम कंपनियों के अर्निंग को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, अगर बाजार में कोई अर्निंग के मोर्चे पर उलटफेर होता है तो ये बड़ी मजबूत कंपनियों के लिए छुपा हुआ वरदान साबित होगा। हमारी नज़र कोरोना के दूसरी लहर में केंद्रित न होकर 2-3 साल की संभावनाओं पर टिकी हुई है। कई बार कोई संकट भविष्य के लिए छुपा वरदान साबित हो जाता है। कोरोना की संकट की वजह से पहले से बुनियादी रूप से कमजोर रिटेलर दौर से बाहर हो सकते हैं और मजबूत और बेहतर कंपनियां बड़ी हिस्सेदारी के साथ में और मजबूत होकर उभर सकती है। अगले 3-4 साल में जोरदार ग्रोथ देखने को मिल सकता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें टाइटन में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। और गोल्ड लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह ने कहा है कि निफ्टी एक दायरे में बंधा नजर आ रहा है, इस दायरे को तोड़ने के लिए निफ्टी को 14,880 का लेवल पार करना होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर निफ्टी आगे 15,500 का स्तर देखने को मिल सकता है। पिछले 7-8 कारोबारी क्षेत्रों में शेयर बाजार में COVID-19 का बनाम कंपनियों के नतीजे, लिक्विडिटी, ग्लोबल मार्केट के मुद्दे हावी नजर आ सकते हैं। अब अगले कुछ महीनों तक IT और फार्मा सेक्टर में फेवर में रहेंगे। इसके अलावा ऑटो शेयर में भी नज़र बनाए रखनी होगी। इस सेक्टर में कुछ चुनिंदा स्टॉक नियर टर्म में 5-12% तक दौड़ लगा सकते हैं। कोटक म्यूचुअल फंड की तरफ से हर्षा उपाध्याय ने कहा है कि बाजार इस समय कोविड की दूसरी लहर और इकोनॉमी पर उसके प्रभाव को लेकर भ्रमित नजर आ रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि 4th तिमाही के नतीजों में अच्छे रहने की उम्मीद है। अगले कुछ महीनों में हमें इकोनॉमी में गति आती दिखेगी। इसके अलावा वैक्सीनेशन में तेजी के साथ ही मीडियम टर्म में बाजार में बढ़त देखने को मिल सकती है। IndiaChart.com के रोहित श्रीवास्तव ने भी कहा है कि हमें मेटल शेयर में मजबूती दिख रही है, लेकिन अगले हफ्ते में हमें कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन इस अवधि में हमें हेल्थ केयर और पब्लिक सेक्टर में और बैंकों में फ्रेश मोमेंट देखने को मिल सकता है। ICICPRO AMC के आनंद शाह ने कहा है कि भारतीय इकोनॉमी में काफ़ी तेज रिकवरी देखने को मिलेगी और कोरोना की दूसरी लहर का बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखेगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बीच का अंतर समझना होगा। पिछली लहर में हमें कोरोना के बारे में कुछ कम जानकारियां थी, इस बार हमें काफ़ी अच्छे से तैयारी है। पिछली बार कोरोना की लहर पूरे भारत में थी, इस बार कुछ पॉकेट्स नज़र आ रहा है, इसलिए इस बार पिछली बार की तरह व्यापक लॉकडाउन की उम्मीद नहीं है और कोरोना की दूसरी लहर का इकोनॉमी पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना पहली लहर का पड़ा था। तो इस तरह से जो राय निकल के आ रही है विशेषज्ञों की कि इस बार हमें कोरोना के मामलों से बाजार के लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए हमने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए हुए हैं, जिस वजह से बाजार पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बाजार में इतनी बड़ी भयंकर गिरावट की संभावना भी नहीं बन रही है। ने कैलेंडर 2021 में अब तक करीब 6% की बढ़त दिखाई है, लेकिन 5 ऐसे स्टॉक है निफ्टी के जिन्होंने 2021 के केवल 3 महीनों के अंदर करीब 50% से ज़्यादा की तेजी दिखाई है। दरअसल ये 5 स्टॉक अपने 200 डेली मूविंग एवरेज यानी DMA के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। यदि कोई स्टॉक अपने 500 DMA के ऊपर कारोबार करता है तो माना जाता है कि ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, हालांकि उसमें गिरावट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट भी दिखाया जा सकता है। इन 5 स्टॉक में टाटा मोटर्स अपने 52 के ऊपर उच्च स्तर से 12% नीचे कारोबार कर रहा है, जबकि अन्य स्टॉक अपने 52 के उच्च स्तर से 2-7% नीचे कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर को छोड़कर बाकी 4 स्टॉक में कमजोरी की तुलना में मजबूती नजर आ रही है। और टाटा मोटर की अगर बात करें तो स्टॉक
साल 2021 में 71% की तेजी नजर आ चुकी है और यह स्टॉक 31 दिसंबर 2020 के अपने 183.85 के स्तर से 71% बढ़कर 8 अप्रैल 2021 को 313.95 के स्तर पर पहुंच गया है। यह स्टॉक 3 मार्च 2021 को अपने 52 के उच्च स्तर पर यानी 357 को छू के आया है। सेकेंड जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट्स। इस स्टॉक में साल 2021 में 70% की तेजी हमें देखने को मिली है। यह स्टॉक 31 दिसंबर 2020 को अपने 483.75 के स्तर को छूकर यानी 70% बढ़कर 8 अप्रैल 2021 को 823 के स्तर पर पहुंच गया है। इस स्टॉक ने 7 अप्रैल 2021 को अपने 52 के उच्च स्तर पर को छुआ था यानी 885 को। तीसरा जो स्टॉक है निफ्टी का वो है JSW स्टील। इस स्टॉक में साल 2021 में 59% की तेजी नजर आई है। यह स्टॉक 31 दिसंबर 2020 के अपने 387.20 के स्तर से 59% बढ़कर 8 अप्रैल 2021 को 614.10 के स्तर पर पहुंच गया था। स्टॉक फिलहाल 8 अप्रैल 2021 को अपने 52 के उच्च स्तर से 639 को भी छुआ था इसने। जो चौथा स्टॉक है वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में साल 2021 में 56% की तेजी नजर आई है। यह स्टॉक 31 दिसंबर 2020 के अपने 927.85 के स्तर से 56% बढ़कर 8 अप्रैल 2021 को 1447 तक पहुंच गया है। यह स्टॉक 5 अप्रैल 2021 को अपने 52 के उच्च स्तर पर यानी 1473 को छू के आया है। और जो लास्ट स्टॉक है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में साल 2021 में 52% की तेजी नजर आई है। यह स्टॉक 31 दिसंबर 2020 में अपने 240.55 के स्तर से 52% बढ़कर यानी 8 अप्रैल को 2021 को 265.20 के स्तर पर पहुंच गया है। और यह स्टॉक 8 अप्रैल 2021 को अपने 52 वीक के उच्च स्तर पर यानी 374 को इसने छुआ था। तो अच्छी खासी इसमें तेजी बनी हुई है शानदार और उछाल अभी भी जारी है मार्केट में। और बाजार की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता भी भारतीय बाजारों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा है। सेंसेक्स 50,000 नीचे आया है, निफ्टी ने भी 14,900 के नीचे क्लोज दिया है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म करते हुए शेयर दिखाई दिए। S&P BSE इंडेक्स पिछले हफ्ते में 0.8% की गिरावट देखने को मिली है, वहीं निफ्टी में 0.2% की कमजोरी आई है। इसकी तुलना में BSE मिड कैप इंडेक्स में इस अवधि में 1.2% की बढ़त देखने को मिली है, जबकि BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.4% की बढ़त देखने को मिली है। पिछले हफ्ते वास्तविक एक्शन मिड और स्मॉल कैप के स्पेस में ही देखने को मिला। स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपने 52 वीक के हाई को छुआ, जबकि मिड कैप इंडेक्स भी अपने नए ऑल टाइम हाई को लगाने में कामयाब हो सकता है। जानकारों का मानना है कि बाजार में इस समय पैसे बनाने में सही मौके हैं, जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में BSE 500 इंडेक्स में शामिल करीब 50 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें 10% से लेकर 140% की तेजी देखने को मिली है। इन शेयरों की सूची में हिंदुस्तान जिंक, केयर रेटिंग, टाटा मेटालिक्स, इन्फो एज, जिंदाल स्टेनलेस, PI इंडस्ट्रीज, डॉक्टर लाल पैथोलैब्स और HEG शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिन्होंने जब दमदार रिटर्न दिया है। अलग अलग सेक्टर पर नजर डालें तो पिछले सप्ताह मेटल सेक्टर में करीब 7% की तेजी देखने को मिली, वही हेल्थ केयर सेक्टर में 5.5% की तेजी देखने को मिली और IT सेक्टर में 4.8% की तेजी देखने को मिली, जबकि बैंक, कैपिटल गुड्स और रियल्टी स्टॉक में कमजोरी देखने को मिली। अगले हफ्ते में मार्च तिमाही के नतीजे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़े कुछ अहम आंकड़े भी आएंगे। बाजार की नज़र फरवरी के IIP के और मार्च के महंगाई के आंकड़ों पर रहेगी। ये दोनों आंकड़े 12 अप्रैल को आने वाले हैं। इसके बाद 14 अप्रैल को थोक महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, वही 15 अप्रैल को मार्च महीने के व्यापार संतुलन। अब बहुत सारे आंकड़े पेश होने वाले, साथ में बहुत सारे रिजल्ट का दौर आने वाला है और उसी से बाजार की दिशा ज्ञात होने वाली है। और इसीलिए हमें आगे की तरफ ध्यान रखना चाहिए और इन्हीं से अभी बाजार की दिशा तय हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।